లోక్సభలో రాఫెల్ డీల్ పై వాడి వేడి చర్చ జరుగుతోంది, లైవ్ చూద్దాం. పిక్ అప్ ద ఫోన్ అండ్ టెల్ ద ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ నాట్ టు మేక్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అక్యూజింగ్ యూ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ట్రూత్ టు ద మ్యాటర్. However, if there is truth to the matter, I understand that you will not make a comment about it and you will not mention anything to Mr. Hollande. Those were the two statements that I made. Okay. Now, Defense Minister, I'm coming now to the second part. Yes. Defense Minister said that we are accusing her. The frame she used was, you are accusing us. Madam, I am not accusing you. And I am not accusing Mr. Parrikar. I am accusing Mr. Narendra Modi. Let us be absolutely clear. You have done, other than try to defend a lie, you have done nothing. So I do not think that you are involved in the Rafael scam. I have no proof so far to say that you are involved. But I am very clear that the Prime Minister is directly accused, is directly involved in the Rafael scam. And I will tell you why. There are a couple of central questions. Teen Raksha Mantri ne kitna dhai ghanta bola? Dhai ghanta bola? Anil Ambani ji ko offset contract mile? Nahi aati mujhe. Nahi aati. To Anil Ambani ko offset contract ka sabse bada part mila. Wo apne Kharge ji dikhaiye zara apna kagaz. उसमें लिखा है अनिल अंबानी जी का लिखा है, नहीं वो अनिल अंबानी वाला डबल ए वो उनका जो एनुअल रिपोर्ट था, ये नहीं ये वाला, ये रिलायंस, ये इसमें लिखा है अनिल अंबानी जी ने लिखा कि लार्जेस्ट ऑफसेट की ऑफसेट पार्टनर विद डेसॉल्ट वर 30,000 लार्जेस्ट ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया. Life cycle opportunity estimated at 1 lakh crore rupees we have been given. And the defense minister did not mention his name. Yeah. Aapne unka naam tak nahi liya. Aapne ek baar nahi bola. Anil Ambani ka aapne naam nahi liya. Kyun nahi liya? Aur main sawal ye hai ki Anil Ambani ko contract kaise mila, kisne dilwaya? Aur aapne 2 ghante baat ki. Magar aapne iska jawab nahi diya. कि एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय किसने लिया? बैठिए बैठिए बैठिए, अरे प्लीज बैठिए. हमारा सवाल था कॉन्ट्रैक्ट. जी जी, आप बोलिए. दैट इज नॉट गोइंग ऑन. डिफेंस मिनिस्टर ने बोला और उन्होंने अपने भाषण में. जी जी, अरे यार बैठो यार. मैडम प्लीज. अब ये तो डिफेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण में क्लियरली बोला कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को बदल के नया कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया गया. और जब L1 की सवाल आया उन्होंने जवाब नहीं दिया, बट उन्होंने कहा था कि एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था और उसको बदला गया, नया कॉन्ट्रैक्ट लाया गया. नए कॉन्ट्रैक्ट में अनिल अंबानी को हटाया गया, HL को हटाया गया, अनिल अंबानी को लाया गया. तो हमारा मेन पहला सवाल था, अनिल अंबानी को लाने का निर्णय किसने किया? होलैंड जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किया. हमने आपसे सवाल पूछा, आपने हमें जवाब नहीं दिया. दूसरा सवाल, L1 जो UPA के समय बिड हुई थी उसमें राफेल का दाम 560 करोड़ रुपए था, आपकी डील में 1600 करोड़ रुपए हो गया. पहली बिड में RFP में बेयर एयरक्राफ्ट नहीं था, फुल कॉम्प्लीमेंट था. और ये यहाँ लिखा है, इन एडिशन टू वेपन्स लॉन्चर्स पायलॉन्स वुड हैव टू बी प्रोवाइडेड, द रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्चर्स इज कैबिनेटेड एट बिलो. तो आपने ये जवाब नहीं दिया. Okay. आपने ये जवाब नहीं दिया. ठीक है, कि
प्राइस कैसे बढ़ा। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल जो आपने बोला कि आप बोलते हैं, तीसरा सवाल कि नेबरहुड बहुत डेंजरस है, अगर नेबरहुड बहुत डेंजरस है तो आपने 126 से 36 कैसे कर दिया? अगर आपको सही दाम पे 36 मिल रहे थे तो 126 क्यों नहीं खरीदे? तो ये मेन सवाल थे। अब मेरा आखिरी आपसे सवाल है, दो मिनट में खत्म करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि रक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि नरेंद्र मोदी जी ने इमरजेंसी के होने के कारण बाईपास सर्जरी की। उन्होंने कहा कि 126 वाली पुरानी डील को नरेंद्र मोदी ने बदला, कहा कहा आपने कहा निर्मला जी। अब मेरा सवाल है, 8 साल की नेगोशिएशन, 10 साल की नेगोशिएशन चल रही थी, एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स कर रहे थे, एयरफोर्स के चीफ, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी सब इसमें इन्वॉल्व हुए, उनका उनका सालों का काम था। तो मेरा सिंपल सा सवाल है और मैं ये रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे हाँ या ना का जवाब चाहता हूँ, यस और नो। एंड माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हेन दिस बाईपास सर्जरी वाज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर, डिड द हाईएस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्ट टू दिस बाईपास सर्जरी? Did they make a statement or did they suggest to the defense minister, to anybody else, yes, that the prime minister should not be bypassing the defense establishment? Yeah. Can you answer my question, Nirmala Sitharaman ji, with a yes or a no? Thank you. Okay. Yeah.